सो वेलकम बैक टू डिजिटल हैदर। आपको पता होगा हमारे चैनल पर ऑटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स चल रहा है। ये भी वीडियो जो है वो ऑटो ब्लॉगिंग से ही रिलेटेड है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक परफेक्ट सेटअप एड्स टेरा का किस तरह से कर सकते हैं ऑटो ब्लॉगिंग के लिए, अपनी वर्डप्रेस पे कौन कौन सी एड्स लगाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मजेदार वीडियोस मिलती रहे। तो जी सिंपल बेसिक से बताऊंगा, एडस्टेरा आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। किसी को नहीं पता एडस्टेरा का तो वो ये वीडियो देख के एडस्टेरा का इंट्रोडक्शन भी ले सकता है। ठीक है, एडस्टेरा का अकाउंट हम बना लेते हैं। साइन अप पर क्लिक करता हूँ। एज अ पब्लिशर आपने साइन अप कर लेना है। अगर आपको साइन अप करना आता है तो ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कोई भी रैंडम। यहाँ पे मैंने ईमेल दिया, अपना फुल नेम दिया, लॉगिन डिटेल्स दी, यहाँ पे यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे मैसेंजर मांग रहा है मुझसे। मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, व्हाट्सएप करना चाहे, फेसबुक करना चाहे, कोई भी कर सकते हैं। मैं ट्विटर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे यूजर नेम दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट मेथड है। अगर आप $5 लेना चाहते हैं विड्रॉ तो आप यहाँ से वेब मनी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप $100 मिनिमम लेना चाहते हैं तो आप ये क्रिप्टो करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये कर लेता हूँ और आई हैव रीड इस पे क्लिक करता हूँ और साइन अप पर क्लिक कर। ठीक है, ये मेरे पास एक कोड आया होगा जीमेल पर, ये मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ यहाँ से जाके इसको सिंपल मैंने लॉगिन कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये देख रहे होंगे सिंपल हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पे हमने वेबसाइट ऐड करनी है, जो भी आपने वेबसाइट बनाई होगी। हमने ये वेबसाइट बनाई है, इसका लिंक कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ सोशल, और यहाँ से मैं जो यूनिट है वो सबसे पहले नेटिव बैनर इसको मैं जनरेट कर लेता हूँ और एड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एड्स का क्या सीन होता है कि आपने किस किस्म की एड्स लगानी है, ये अब डिपेंड करता है आपके ट्रैफिक पर कि आपके पास किस किस्म की ट्रैफिक आ रही है, यूजर आपका क्या वो कर रहा है। आपने डिफरेंट जो एड्स है ना वो ट्राई करनी है, जिसका रिजल्ट आपको अच्छा मिले उसी एड के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, एक ये एड जनरेट कर लेनी है 7x8x90, इसको भी मैं कर लेता हूँ और ये थोड़ा टाइम लगाएगा। एड यूनिट यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप पेंडिंग में है, ये एक्टिव हो गया, ये पेंडिंग में है। मैं क्या करता हूँ, इसको गेट कोड पे क्लिक करता हूँ, कॉपी कोड, और वर्डप्रेस पर जाते हैं। डैशबोर्ड पर आपने जाके एक प्लगइन इंस्टॉल करना है एड इंसर्टर के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आपने सर्च करना है एड इंसर्टर, ये मैंने सर्च किया, पहला प्लगइन होगा, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे हम दो एड्स लगाएंगे, 7x8x90 वाली और 300x250 वाली। नेटिव एड जो है वो हम हेडर में लगा देंगे। इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि ये जनरेट हुआ दूसरा कोड। तो जी दोनों कोड जनरेट हो गए, एक और मैं जनरेट कर लेता हूँ यहाँ से 300x250 वाला और एड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, पहले ये जो नेटिव बैनर है इसका जो कोड है वो मैं यहाँ से दोबारा कॉपी करता हूँ और इसको हम सेटअप कर लेते हैं। इसको हमने कहाँ पे लगाना है, ठीक है, आपने चले जाना है यहाँ वेबसाइट पर, इसको कस्टमाइज पे क्लिक करना है। इसको हमने लगाना है हेडर पर ताकि ये ऑलवेज शो होता रहे, आर्टिकल में भी शो हो, होम पेज पे भी शो हो, हर जगह शो हो। ठीक है, क्या करना है, आपने ये देख रहे होंगे मेन्यू है, इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा। अगर आप जनरेट प्रेस यूज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे लेआउट्स में, लेआउट्स में जाने के बाद ये हेडर सेक्शन पर जाएंगे आप, और ये हेडर प्रीसेट्स देख रहे होंगे आप। यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से नेविगेशन आफ्टर ये सेलेक्ट करता हूँ ताकि ऊपर जो स्पेस है वो खाली हो जाए थोड़ी। ठीक है, क्लासिक भी करके देख लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमें स्पेस जो है हेडर की खाली मिल गई है, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, और दोबारा मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ विजिट्स पर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हेडर गॉट इट, इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ HTM, ये आ गया। यहाँ पे मैं कोड पेस्ट कर देता हूँ और पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो जी ये देख रहे हैं एक एड हमारी जो है वो यहाँ पे लग गई है, वो इस तरह से कुछ शो हो रही है। अब हमने लगानी है आर्टिकल्स के अंदर एड्स, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपसे एक प्लगइन इंस्टॉल करवाया एड इंसर्टर, ये इंस्टॉल हो गया, आपने सेटिंग पर जाना है और ये एड इंसर्टर का ऑप्शन शो होगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा जो यूनिट है हमारा एड यूनिट वो भी क्रिएट हो चुका है। यहाँ से मैं ये सिलेक्ट करता हूँ 7x8x90 वाला, गेट कोड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे पहले बॉक्स में पेस्ट करता हूँ और इसको मैं शो करवा देता हूँ बिफोर कंटेंट। इसको मैंने बिफोर कंटेंट करके सेव पे क्लिक कर दिया और तीसरा जो हमारा है 300x250 इसको कॉपी करता हूँ। अब कॉपी कोड, दूसरे सेक्शन पर जाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा वो कोड और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आफ्टर पैराग्राफ, यहाँ पे मैं करता हूँ 4, इसको मैं कर लेता हूँ सेंटर अलाइन। ठीक है, सेव सेटिंग। तो जी मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ, आपको एड्स दिखा देता हूँ कि शो हो रही है, किस तरह शो हो रही है। हमें रीड मोर पर जाता हूँ। तो जी ये देखें, ये एड हमने लगाई ये भी शो हो रही है और ये दूसरी लगाई हमने ये भी शो हो रही है। और पोस्टें जो हमारी आपको पता है ऑटोमेटिकली फेसबुक पे जा रही है, नेटिव बैनर जो है हमने यहाँ पे लगा दिया और ये एड्स का हमने सेटअप कर लिया। बेसिक सा सेटअप है, 3 एड्स लगानी है आपने। अब आपने खुद टेस्ट करना होता है कि आपको किस एड पे रिजल्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी ट्राई कर सकते हैं। एडस्टेरा ट्राई किया ना, मैं नेक्स्ट वीडियो एक बना दूंगा जिसमें मोनी टैग का भी हम देख लेंगे एड सेटअप करके। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस उसके साथ प्लेटफॉर्म के साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं। जहां से आपको अच्छा रिजल्ट मिले आप उसकी एड्स लगा सकते हैं, बाकी एड्स आप जाने दे सकते हैं। एडस्टेरा का आजकल ये मसला आ रहा है कि ये इंप्रेशन खा जाता है, तो इसलिए आप इसको अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर किसी के इंप्रेशन सही आ रहे हैं, अर्निंग सही दे रहा है,
तो आप इसके साथ भी कंटिन्यू रख सकते, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोनटैग का भी बता दूंगा, और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके आप एड्स यूज कर सकते हैं, तो उनके भी आप लगा सकते हैं एड्स जहां से आपको अच्छा रेवेन्यू मिले, उसके साथ कंटिन्यू रख। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, छोटी सी वीडियो थी लेकिन शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके लिए भी आसानी हो देखने में, लंबी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा।